अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल हैं आप सबकी। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिसमस कार्ड। उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे नज़र आता है जो आप लोग देख रहे हैं, और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जिसको आप लोग देना चाहते हैं कार्ड, उसको भी बहुत पसंद आएगा। इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो है 3 पेपर्स हमें चाहिए, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का और पर्पल कलर का, ठीक है। उसके साथ हमें ग्लू चाहिए, सीजर चाहिए, हमें कटिंग के लिए स्टिकर्स चाहिए, मैंने स्टार वाले लिए हैं, और तो ये मैंने पेपर लिया है 12x12 साइज़ का। इसके एक कॉर्नर को लेना है, इसके दूसरे कॉर्नर के साथ हम लोगों ने इसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब इसके दूसरे कॉर्नर को लेना है और वैसे ही हमने फोल्ड कर देना है जैसे पहले किया था। अब इसके एक साइड को लेना है और दूसरी साइड के साथ हम लोगों ने ऐसे फोल्ड कर देना है लाइक दिस, बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है। ये आप लोगों को लाइन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। दूसरी साइड के साथ भी हमने यही प्रोसेस करना है। अब इसके एक साइड कॉर्नर को लेना है, ऊपर वाले कॉर्नर को हमने ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही फोल्ड कर देना है, और अब मैं इन बाकी सबके साथ करती हूँ। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है। ये मैंने लिया है 8x8 साइज़ का पेपर लिया है, ठीक है। इस सेम प्रोसेस करना है इसके साथ भी। करना है सबके साथ, ठीक है। अब मैंने एक पेपर लिया है जिसके ऊपर हम लोगों ने लगाना है, एक कार्ड बनाया है। सबसे पहले मैंने छोटा साइज़ लिया है, उसके ऊपर ग्लू लगाई है। यहाँ पे मैंने ब्रश की मदद से ग्लू को सेट कर लिया है। ये मैंने सबसे ऊपर मिड में लगाया है, ठीक है। ऊपर इसलिए जगह छोड़ी है ताकि स्टार लगाना है। फिर उसे बड़े वाला साइज़ लिया है और ब्रश की मदद से मैंने ग्लू लगा ली है, सही कर ली है। बाद मैंने एक ग्रीन फॉर्मिंग शीट की मैंने ये लगा ली थी, स्ट्रिप काट ली थी, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने मार्कर कलर्स लिए हैं, मार्कर कलर्स की मदद से मैंने यहाँ पे ये डॉट्स लगा दूँगी मैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे बीड्स भी लगा सकते हैं, या आप लोगों की मर्ज़ी है जो आप लोग करना चाहें। मैंने ग्लू लगा दी थी, आप लोगों की मर्जी नहीं। और मल्टी कलर को भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है, आप लोग जो मर्जी जिसका डिज़ाइन बनाना चाहें, ठीक है। ये मैंने तकरीबन मेरा हो गया है रेडी। अब मैंने क्या करना है, एक ब्राउन कलर का पेपर लिया है मैंने, उसको इतना हमने फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये हमने फोल्ड कर दिया है, इससे कटिंग कर लिया। अब इसको हमने बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर देना है, ये देखिए, ठीक है। सेम साइज़ का हमने फोल्ड करना है।
और इसके ऊपर ग्लू लगानी है। ब्रश की मदद से हमने ग्लू को सेट कर लिया है। अब इसको ट्री को उठाना है और यहाँ पे लगा देना, उठा के यहाँ पे लगा देना। ठीक है, ये हमारा ट्री हो गया रेडी। अब मैंने स्टिकर लिया है और इसमें से मैंने स्टिकर लिया है पर्पल कलर का, ये उठा के और ये ऊपर मैंने इसको लगा दिया। होप कि आप सबको मेरा ये कार्ड बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। और आप लोग मेरी इंस्टाग्राम भी विज़िट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और चलें जी, मैं अब आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और